Good morning, dear students. I hope you all are safe and healthy at your home. We are doing lesson number 9, Living Organisms and Their Surroundings. We have started the chapter. Some part has been completed. So today I am going to explain you the next topic of this chapter, that is the adaptations. Adaptations main aapko explain karungi. Now earlier we have studied about the habitats. Habitats means where the organism lives, including its surroundings. जहाँ कोई भी particular organism रहता है अपने आसपास की उसकी surroundings वो सब habitat कहलाती है. Now अलग अलग habitats के बारे में हमने पढ़ा, land habitat के बारे में हमने पढ़ा, animals जो extreme harsh weather conditions में desert में रहते हैं या फिर polar regions में रहते हैं जहाँ जो weather है बहुत ज़्यादा cold रहता है वहाँ भी plants और animals होते हैं. जहाँ desert है वहाँ बिल्कुल ही absence of rain है वहाँ भी plants और animals हैं. तो ये जो इतना variations है atmosphere में, environment में, तो वहाँ पर जो plants और animals हैं वो कैसे survive कर पाते हैं, दिस वी आर गोइंग टू स्टडी अडाप्टेशन. ये अडाप्टेशन के अंडर आता है, मीन्स ऐसी उनकी बॉडी में क्या चेंजेस होते हैं. जैसे जो प्लांट डेजर्ट में रहते हैं और जो प्लांट अदर एरियाज में रहते हैं, तो उनके अंदर क्या ऐसा डिफरेंस है, क्या ऐसा मॉडिफिकेशन हुआ है उनके बॉडी के अंदर, उनके स्ट्रक्चर में, जिससे वो पर्टिकुलर एनवायरमेंट में अडाप्टेड हैं रहने के लिए. Means that so the definition here is modification in an organism or its parts that makes it fit for existence under the conditions of its environment. Means जहाँ भी वो रहते हैं वो वहाँ के environment के लिए fit हैं और exist कर पाते हैं, वहाँ पे survive कर पाते हैं. जैसे desert में cactus जो है वो desert में grow करता है, पर अगर हम उसको polar regions में ले जाएं जहाँ बहुत ज़्यादा ठंड है होती है, तो वहाँ पर वो survive नहीं कर सकता. ऐसे ही अगर हम एनिमल्स की बात करें, डेजर्ट में कैमल रहता है और पोलर रीजन्स में पोलर बियर्स होते हैं, पेंगुइन्स होते हैं, अगर हम दोनों को इंटरचेंज कर दें तो वो दोनों सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कैमल जो है वो डेजर्ट में रहने के लिए ही अडेप्टेड है, उसकी बॉडी में कुछ ऐसे मॉडिफिकेशंस हैं कि वो डेजर्ट में सर्वाइव कर पाता है पर पोलर रीजन में सर्वाइव नहीं कर पाएगा. ऐसी पोलर बियर की बॉडी के अंदर कुछ अडेप्टेशंस हैं, कुछ चेंजेस हैं उसकी बॉडी के अंदर जो पोलर रीजन्स में रहने के लिए उनको स्वीटेबल है, पर वो डेजर्ट कंडीशंस में नहीं रह पाएंगे. तो ये जो चेंजेस हैं बॉडी के अंदर, बॉडी में या किसी भी बॉडी पार्ट में, यही अडेप्टेशंस होता है. अब इट अकर्स बाय फॉलोइंग मीन्स. अडेप्टेशन किन किन तरीकों से हो सकता है, ऑर्गेनिज्म कैसे अडेप्ट है रहने के लिए पर्टिकुलर एनवायरमेंट में. सो फर्स्ट इज बाय चेंजेस इन द बॉडी, मीन्स वो अपने अंदर अपनी बॉडी या बॉडी पार्ट में ऐसे स्पेशलाइज्ड कोई बॉडी पार्ट डेवलप कर लेते हैं अपने अंदर, जिससे वो वहाँ रहने के लिए अडेप्टेड हो जाते हैं. जैसे कैमल है, कैमल के पास जो है हम्प होता है. हम्प मीन्स जो कैमल का आपने देखा होगा बैक पे ऐसा थोड़ा सा उठा हुआ पोर्शन होता है, तो वहाँ पे क्या फैट स्टोर होता है, क्योंकि डेजर्ट में वाटर और फैट स्टोर होता है. वाटर की कमी होती है डेजर्ट में और प्रॉपर खाना भी नहीं मिल पाता कैमल को, तो इस वजह से क्या है वो अपना खाना और वाटर को हम्प में स्टोर करके रखता है, तो जब उसको ज़रूरत होती है वो वहाँ से उसको यूटिलाइज कर लेता है. तो इस तरीके से कि कुछ अडेप्टेशंस होते हैं उनके बॉडी में या स्पेशल बॉडी पार्ट्स वो डेवलप कर लेते हैं, और ये जो बॉडी पार्ट्स डेवलप होते हैं ये कुछ ही दिनों में, कुछ ही महीनों में या कुछ ही सालों में नहीं हो जाते. इट टेक्स रियली अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम, बहुत सालों तक ये मॉडिफिकेशंस होते हैं, तब जाके कोई ऑर्गेनिज्म एक पर्टिकुलर बॉडी पार्ट डेवलप करता है. ठीक है, तो ये एकदम से नहीं हो जाते अडाप्टेशंस, कई सालों से, कई सालों से चले हुए आते हैं, तब जाके ऑर्गेनिज्म में कोई बॉडी में उसके कोई चेंज आता है. सेकेंड इज चेंजेस इन द बिहेवियर. वो ऑर्गेनिज्म्स अपने बिहेवियर में कुछ इस टाइप का चेंज कर लेते हैं कि वो वहाँ जहाँ वो रहते हैं वहाँ अपने आप को सर्वाइव कर पाते हैं. जैसे कि आपने हिबरनेशन सुना होगा. हिबरनेशन इज द विंटर स्लीप.
कुछ ऑर्गेनिजम्स जो है वो विंटर्स में लॉन्ग स्लीप पे चले जाते हैं, पूरे विंटर्स सोते रहते हैं ताकि वो वहाँ के एटमॉस्फेयर को, कोल्ड वेदर जो है उसको उस कोल्ड वेदर में सर्वाइव कर पाए। एग्जांपल हो गया आपका फ्रॉग, फ्रॉग जो है वो हिबरनेट, बियर, फ्रॉग और बियर ये दो एग्जांपल्स हैं जो विंटर्स में हिबरनेशन करते हैं। हिबरनेशन मीन्स लॉन्ग स्लीप ड्यूरिंग द विंटर्स, विंटर्स में ये बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए सो जाते हैं क्योंकि विंटर्स में बहुत ज़्यादा ठंड होती है, तो अगर वो बाहर निकलेंगे तो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे ठंड को, तो इस वजह से वो पूरा टाइम सोते रहते हैं। तो उन्होंने अपने बिहेवियर में ऐसा मॉडिफिकेशन कर लिया कि विंटर्स आते ही उनको हिबरनेट करना है, तो इस वजह से वो वहाँ सर्वाइव कर पाते हैं। थर्ड है चेंजेस इन द लोकेशन ऑफ द एक्टिविटी, इसको हम माइग्रेशन भी कहते हैं। This is also called migration. अब कई बार क्या होता है कि कुछ जो organisms हैं, अगर जहाँ वो रहते हैं वहाँ का atmosphere उनके tolerate नहीं कर पाते, उनके toleration से वो बाहर हो जाता है atmosphere, तो वो migrate करते हैं किसी दूसरी जगह, means जहाँ atmosphere उनके लिए suitable होता है वो अपने उस place को छोड़ के दूसरे place में चले जाते हैं, और जब जहाँ वो रहते हैं वहाँ का एटमॉस्फेयर फिर से वापस नॉर्मल हो जाता है तो वापस वो अपने घर पे आ जाते हैं, तो इसको माइग्रेशन भी कहते हैं। माइग्रेशन मीन्स एक जगह से दूसरी जगह जाना। तो इस वजह से अब आपने देखा होगा जयपुर में भी कई सारी जो बर्ड्स हैं वो बाहर से आती हैं। क्यों आती हैं? क्योंकि जब जहाँ वो रहती हैं जिस एरिया में या जिस भी हैबिटेट में रहती हैं वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है वो उनके लिए फिट नहीं है उस टाइम, तो वो वहाँ से आ जाती हैं, और जब एटमॉस्फेयर उनका एनवायरनमेंट नॉर्मल हो जाता है उस हैबिटेट का, वो वापस अपने घर चली जाती हैं। दिस इज कॉल्ड द माइग्रेशन। नाउ कमिंग टू द हैबिटेट एडेप्टेशंस इन प्लांट्स, प्लांट्स जो कैसे अलग अलग हैबिटेट में जो प्लांट्स हैं वो कैसे अपने आप को अडेप्ट करते हैं। फर्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट द ज़ीरोफाइट्स। ज़ीरोफाइट्स मीन्स द प्लांट्स दैट ग्रोज इन डेजर्ट, डेजर्ट प्लांट्स जो होते हैं जो बिल्कुल वाटर के एब्सेंस में रहते हैं, मीन्स जिनको वाटर की ज़रूरत नहीं होती है या फिर बहुत कम वाटर की ज़रूरत होती है। तो डेजर्ट प्लांट्स एग्जाम्पल कैक्टस, अगेव, एस्पैरेगस, ये तीनों डेजर्ट प्लांट्स हैं, ज़ीरोफाइट्स हैं। तो इनके अंदर क्या ऐसे अडेप्टेशंस हैं जिससे वो डेजर्ट के एटमॉस्फेयर में सर्वाइव कर पाते हैं। फर्स्ट है सोलन स्टेम टू स्टोर वाटर। अब क्योंकि डेजर्ट में पानी की कमी होती है तो प्लांट्स जो हैं वो अपना वाटर को स्टोर करके रखते हैं। जैसे हमारे घर में हमें पता है अगले दो दिन तक पानी नहीं आएगा, तो व्हाट वी हैव टू डू, वी शुड स्टोर द वाटर। हम अपने 2 डेज के लिए वाटर को स्टोर करके रख लेंगे ना, तो सिमिलरली वहाँ पे प्लांट्स जो है उनकी जो स्टेम होती है वो सोलन होती है, बहुत मोटी होती है, और वो उस स्टेम में वाटर को स्टोर करके रखते हैं। सेकेंड, लीव्स मॉडिफाइड एज स्पाइंस टू प्रिवेंट वाटर लॉस। लीव्स जो हैं कैक्टस की आपने लीव्स देखी होंगी, ऐसे स्पाइंस होती हैं, ऐसे होता है कैक्टस अलग अलग, उसमें ऐसे 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 स्पाइंस कांटे कांटे निकले होते हैं। क्यों होते हैं? ताकि लीव्स में से क्या होता है, वाटर का लॉस होता है, स्टोमेटा में का फंक्शन मैंने आपको बताया था, स्टोमेटा का वाटर लॉस होता है, तो अगर स्पाइंस होंगे लीव्स में तो वाटर का जो लॉस है वो मिनिमाइज हो जाएगा, क्योंकि डेजर्ट में वैसे पानी की कमी है, और अगर प्लांट में से वाटर और लॉस होने लगेगा तो प्लांट को इनफ वाटर नहीं मिलेगा, तो इसलिए जो लीव्स हैं वो स्पाइंस में मॉडिफाइड होती हैं ताकि वाटर मिनिमाइजेशन, वाटर को लॉस ऑफ वाटर को मिनिमाइज कर सके। थर्ड स्टेम इज ग्रीन स्टेम फॉर मेकिंग फूड। अब जो स्टेम है ज़ीरोफाइट्स की वो ग्रीन कलर की होती है, मींस क्लोरोफिल इज प्रेजेंट इन देम, और क्लोरोफिल है तो दे कैन मेक देयर फूड बाय देयर ओन। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस पढ़ा था ना हमने, ग्रीन प्लांट्स कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, तो सेम ज़ीरोफाइट्स की जो ज़ीरोफिटिक प्लांट्स की जो स्टेम है वो ग्रीन कलर की होती है ताकि वो अपना फूड खुद प्रिपेयर कर सके। नेक्स्ट इज एक्सटेंसिव रूट सिस्टम। एक्सटेंसिव रूट सिस्टम मीन्स डेजर्ट प्लांट्स की जो रूट्स है बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव होती है, मीन्स बहुत ज़्यादा फैली हुई होती है या नीचे तक गई हुई होती है,
बहुत ज़्यादा लॉन्ग होती है, क्योंकि डेजर्ट्स में जो पानी का लेवल है वो बहुत 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 नीचे होता है, तो इसलिए जो रूट्स हैं वो बहुत नीचे तक जाती हैं सॉइल के अंदर, अर्थ के अंदर, ताकि वो पानी को ढूंढ सके, पानी जो जो भी उनको वाटर मिलेगा लेवल, वाटर लेवल, वो उसको ढूंढ सके। रूट्स का क्या काम है? वाटर को एब्जॉर्ब करने का, तो इसलिए एक्सटेंसिव रूट सिस्टम है ज़ेरोफाइट्स में। नेक्स्ट है संकन स्टोमेटा। स्टोमेटा जो है वो संकन होते हैं। संकन स्टोमेटा का क्या फंक्शन है? वाटर जो लॉस है वो उसको लॉस होने से बचाता है, क्योंकि स्टोमेटा से वाटर लॉस होता है, तो संकन स्टोमेटा होंगे तो वाटर लॉस नहीं होगा। नेक्स्ट लीव्स कोटेड विद क्यूटिकल। क्यूटिकल से कोटेड, क्यूटिकल एक लेयर होती है लीव्स के ऊपर जो वाटर के लॉस को बचाती है। तो मेन डेजर्ट प्लांट में पानी की ही कमी होती है, तो ऐसे ऐसे मॉडिफिकेशंस हैं ज़ेरोफिटिक प्लांट्स में जो वाटर के लॉस को मिनिमाइज करते हैं। नेक्स्ट वी आर कमिंग टू द हाइड्रोफाइट्स। हाइड्रोफाइट्स मींस द प्लांट्स दैट ग्रोज इन वाटर। या तो उनका कुछ पोर्शन वाटर के ऊपर होता है और मोस्टली पोर्शन वाटर के अंदर, या प्लांट्स पूरे ही वाटर के अंदर सबमर्ज्ड होते हैं वाटर के अंदर, वो हाइड्रोफाइट्स हैं। एग्जाम्पल लोटस, वेलिसनेरिया और हाइड्रेला। अब इनमें क्या अडेप्टेशंस होते हैं? फर्स्ट, वैक्सी कवरिंग ऑन लीव्स टू प्रिवेंट रॉटिंग। अब क्योंकि जो ये इनकी जो ये प्लांट्स वाटर में रहते हैं, तो वाटर में क्या होगा, लीव्स खराब होंगी। पर इनकी लीव्स खराब क्यों नहीं होती? क्योंकि हाइड्रोफाइट्स में लीव्स के ऊपर एक वैक्सी कवरिंग है। अगर हम लीव के ऊपर वैक्स लगा देंगे तो क्या होगा, पानी नहीं जाएगा। आपने अपनी बॉडी पे भी देखा होगा, अगर आप बहुत ज़्यादा क्रीम लगा लो या वैसलीन वैक्स कुछ भी लगा लो, तो वाटर जो है ऐसे ड्रॉप फिसलती है ना, वाटर एब्जॉर्ब नहीं होता है अच्छे से। तो इसलिए जो लीव्स में वैक्सी कवरिंग है वो रॉट होने से बचाती है लीव्स को। सेकेंड, एब्सेंस ऑफ क्यूटिकल एंड स्टोमेटा। क्यूटिकल और स्टोमेटा का एब्सेंस होता है, क्योंकि क्यूटिकल और स्टोमेटा का क्या फंक्शन है? वाटर लॉस को बचाना। तो अब यहाँ पर तो प्लांट खुद ही वाटर के अंदर है, तो इनका कोई फंक्शन ही नहीं है क्यूटिकल और स्टोमेटा का, इसलिए ये हाइड्रोफाइट्स में एब्सेंट होते हैं। थर्ड, एयर चैम्बर्स फॉर गैशियस एक्सचेंज। अब स्टोमेटा का एक और फंक्शन होता है गैशियस एक्सचेंज का, वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है और ऑक्सीजन को रिलीज करता है। अब क्योंकि स्टोमेटा एब्सेंट है, तो हाइड्रोफाइट्स में ये फंक्शन एयर चैम्बर करता है। एयर चैम्बर्स प्रेजेंट होते हैं इन हाइड्रोफिटिक प्लांट्स, दैट हेल्प्स इन गैशियस एक्सचेंज। नेक्स्ट है पुअरली डेवलप्ड रूट सिस्टम। अब इसकी हाइड्रोफाइट्स की जो रूट्स होती हैं बहुत ही पुअरली डेवलप्ड होती हैं। क्यों पुअरली डेवलप्ड होती हैं? क्योंकि रूट ऑलरेडी ये प्लांट तो वाटर में ही है, रूट का क्या काम होता है? वाटर को एब्जॉर्ब करना। तो वाटर तो ऑलरेडी प्लांट ही वाटर में है, तो इसके रूट सिस्टम का कोई इतना ज़्यादा मतलब नहीं होता हाइड्रोफाइट्स में। इनफैक्ट यहाँ की जो रूट होती हैं वो एंकरेज के लिए यूजफुल है। एंकरेज मतलब प्लांट को टिके रहने के लिए अपने जगह पर सपोर्ट करती हैं रूट्स। दिस वॉज ऑल अबाउट हाइड्रोफाइट्स। नाउ कमिंग टू द मीजोफाइट्स। मीजोफाइट्स आर द प्लांट्स दैट gets the optimal that grows in optimal conditions, means जिसको हर चीज़ अच्छे से मिलती है। Like plants growing in moderate conditions, light भी अच्छी मिल रही है, temperature भी सही है, water भी है, oxygen भी है। तो mostly plants जो हैं वो mesophytic plants होते हैं। नीम, एप्पल, लेमन हो गया, ऑरेंज हो गया, जितने भी ये प्लांट्स हैं ये सारे मीजोफिटिक प्लांट्स हैं, क्योंकि इनको हर चीज़ प्रॉपर मिल रही है। लाइट भी मिल रही है, वाटर भी मिल रहा है, टेम्परेचर भी प्रॉपर मिल रहा है जो प्लांट्स को चाहिए। तो जो इनके अडेप्टेशंस है इसमें क्या है? वेल डेवलप्ड रूट्स विद रूट हेयर्स। वेल डेवलप्ड रूट सिस्टम होता है इनका, ना बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव है और ना ही पुअरली डेवलप्ड है, बीच का है रूट सिस्टम। नेक्स्ट, स्टोमेटा ऑन बोथ साइड्स ऑफ लीव। स्टोमेटा का क्या फंक्शन है? वाटर लॉस को मिनिमाइज करना और गैशियस एक्सचेंज। तो लीव्स के दोनों साइड में स्टोमेटा प्रेजेंट है मीजोफिटिक प्लांट्स के। सॉलिड स्टेम एंड फ्रीली ब्रांच। जो स्टेम है वो सॉलिड होती है और फ्रीली ब्रांच भी, बहुत सारी स्टेम्स होती है। आपने देखा होगा एक प्लांट में बहुत ज़्यादा स्टेम्स होती हैं। फोर्थ, लार्ज लीव्स ऑफ वेरियस शेप्स, ब्रॉड एंड थिन। लीव्स जो है वो अलग अलग शेप की होती हैं, बड़ी बड़ी होती हैं, ब्रॉड मीन्स चौड़ी भी होती हैं, और थिन बहुत, एक बड़ी लीफ से लेकर एक बिल्कुल पतली थिन लीफ तक भी होती हैं।
तो दिस वॉज द अडॉप्टेशंस, दीज आर द अडॉप्टेशंस ऑफ द प्लांट्स दैट ग्रोज इन वेरियस हैबिटेट. आई होप दिस टॉपिक इज क्लियर टू यू. सो वी विल मीट नेक्स्ट वीक विद अ न्यू टॉपिक. टिल देन हैव अ नाइस वीकेंड. थैंक यू वेरी मच.